शिष्य के हृदय में जो दीप आलोक को जो संचार करने वाला गुरु है ना, इसलिए आप सही नस पकड़ लिए। मैंने जीव कल्याण के लिए सारी ग्रंथ को मैंने रचना की, लेकिन लगता है कुछ कमी है गुरुदेव, मेरे समझ में नहीं आ रही है कमी किसी क्या चीज। आप तो गुरु है ना, आप तो दीप प्रकाश को देने वाला, आप भी बताओ कमी क्या। नारद जी ने कहा, देखो तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को विषय पर जितने तुमने बढ़ा चढ़ा के बताया, कैसे जगत का धर्म करो, कैसे धर्म करके पुण्य अर्जन करो, फिर कैसे पैसा कमाओ, फिर पैसा से कैसे दान पुण्य करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, फिर स्वर्ग भोग करके फिर संसार में आओ, इसलिए धर्म कर्म काम इसको ऊपर में तुमने बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन जीव का जो वास्तव धर्म है ना, इसी विषय पर तुमने नहीं बताया। और तुमने जो अलग अलग पुराण रचना किया है ना, अगर सारे ग्रंथ को कोई पढ़ ले उसको समझ में नहीं आएगा, भैया पूजा करके किसको पूजा करे। जैसे तुमने शिव पुराण बनाया, उसमें बताया सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदर जोगी जोगी वहा जोगी है। अभी वो ग्रंथ को कोई पढ़े ना समझेगा भैया शंकर जी से तो बड़े। तुमने देवी पुराण बनाया, अगर वो पुराण कोई पढ़े सोचेगा भैया मैया देवी सब कुछ वही जगत जहाँ पर तुमने सूर्य देवता की महिमा बताए, बोले भैया सारा दुनिया को तो तेज राशि जगत पर दुनिया को तेज देने वाले कौन, बोले सूर्य देवता है। समझ में नहीं आएगा भैया पूजा करे तो हम किसको पूजा करनी चाहिए, लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो उन्होंने समझाया, देख बेटा अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ तुम रचना करो, जिस ग्रंथ में ये वर्णना करो सारा दुनिया का जो मालिक है कि भगवान वाक्य दिया कृष्ण, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान सृजामि, ये कृष्ण ही कह रहे हैं। बोले हे अर्जुन, जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में कोई अत्याचार हो, वो ब्राह्मण वेद हैं, पृथ्वी पर कोई अत्याचार होता है, जुग जुग में कौन अवतीर्ण होता है, मैं ही ये अलग अलग अवतार को ग्रहण करके धर्म को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए जो बाकी भी हरे कृष्ण है,
यही युग युग में कभी मत्स्य कभी कुर्मा कभी वराह कभी नरसिंह यही रूप धारण करते हैं। इसलिए अब लोग महाभारत देखे हो, कौन कौन टीवी में महाभारत देखे हो, सब लोग देखे। अब देखे ना, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है तब कृष्ण अंतिम में विराट रूप दिखाते हैं। देखे कि नहीं विराट रूप, विराट रूप। तो उन्होंने विराट रूप में क्या दिखाया, बोले देख अर्जुन मैं कौन, जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो देखो ब्रह्मा मेरे, जिसको तुम शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे, जिसको माँ देवी कहते हो माँ देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान गणेश कहते हो देखो ये मेरे अंदर में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वर्ण कहते हो अर्जुन देख ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। तब भगवान एक उदाहरण देकर समझाए, मई सर्वविदम प्रोक्ते सूत्र मणि, जैसे एक धागा को अबल मन करके एक एक मणि दे दे करके एक फूलों की एक माला हम रचना करते हैं, देख अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में समाये, सब कुछ मेरे से कोई अलग कोई वस्तु मेरे से नहीं। इसलिए हे अर्जुन मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं। इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तू मेरे शरण में तू आ जा, अगर तू मेरे शरण में आ जाओगे ना कहते सारे पाप से मेरे को तेरे को मुक्ति कर दूंगा, क्यों ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। बोले अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो जिसमें भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथा सुनाओ, जिसमें भगवान के भक्तों की कथा सुनाओ, ध्रुव की प्रहलाद की अम्बरीश महाराज ब्रज गोपियों की है, बड़े सुंदर सुंदर भगवान और उनकी भक्तों की कथा सुनाओ, जिसको सुन करके जीव को शांति और सुख मिले। गलत देखो तुमने और क्या बताया, गलत देखो ये संसार करते करते जब जीव को विरक्ति आ जाएगा ना, संसार से नफरत जीव को हो जाएगा, फिर तो भगवान की भक्ति कर लो। बोले भैया संसार करते करते कभी किसको नफरत आती है, ये माया ऐसे है ना, किसी को भी संसार से कभी नफरत नहीं आती है। देखो आप देखो छोटी सी कथा सुनाऊंगा। बोले एक समय श्री नारद जी ये मरते जगत में आए, सबको पास में गए, सबसे पूछा संसार में सब कुशल मंगल है ना, सब ऊपर सब सिर हिलाए, लेकिन जब नारद जी अंदर की बात पूछे देखा संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, परिवार से दुखी। इतने में करते करते गए कहां पर, वैकुंठ में, वैकुंठ में देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही है। बोले प्रभु ये दुनिया को आपने तो बनाया। बोले हाँ। बोले आप तो दुनिया को बना दिया और मैंने घर घर में गया, घर घर में पूछा प्रभु मैं संसार में किसको सुखी नहीं देखा, सबके दुखी दुखी देखा, देखो ये वैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ, कोई है ही नहीं वैकुंठ, कुछ लोगों को ले आओ ना उठा करके, कोई आपके लिए चंदन घिसेगा, कोई रसोई बनाएगा, कोई फूलों की माला बनाएगा, कोई आपका मंदिर साफ करेगा, कितने सेवा ले आओ ना कुछ लोगों को। भगवान का नारद जी मैंने 24 बार मैंने अवतार लिया है, लेकिन एक जीव भी ये संसार छोड़ कर आना नहीं चाहता है। इतने में नारद जी बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं है, हम कह रहे हैं कोई दुनिया छोड़कर आना नहीं चाहता, मेरे को विश्वास नहीं है। भगवान बोले ठीक है नारद जी एक काम करो, तेरे ऊपर में ये दायित्व तो मैं दे देता हूँ, जाओ जितने जीव मिलेंगे ना सबको पकड़ कर बैकुंठ ले। बोले प्रभु आज मैं कसम खा कर जा रहा हूँ, आज ही ये बैकुंठ को मैं भर दूंगा। बोले पूरा बैकुंठ भर दो तो पूरा बैकुंठ आज भर जाएगा, देखो कि बैकुंठ में कोई एक जगह नहीं। नारद जी बिना उठाए और आए, देखा एक किसान जेठ के महीना खेती कर रहा था, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, बोले ये तो जरूर बैकुंठ जाएगा इतना कष्ट कर रहा है। बोले किसान भैया बैकुंठ चलोगे, बैकुंठ खाली पड़ा हुआ, ठाकुर जी बोले जो चाहे उनको उठा करके ले आ, बैकुंठ चलोगे। उसने कहा तेरा कोई काम धाम नहीं और दूसरा को कोई काम धाम नहीं, रास्ता देख। बोले बैकुंठ चलोगे, खेती कर रहा हूँ, जमीन में गेहूं होगा, परिवार बोले बैकुंठ चल, चल अपना रास्ता देख।
नारद तो अक्षय को देख चुके होंगे और थोड़ी दूर गए, देखा है कि माता जी कुएं से पानी भरते हुए। बोले माता जी ठाकुर जी बोले वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, जो मिले उसको उठा करके ले आओ। माता जी वैकुंठ चलोगे? बोले बाबा अभी अभी घर में मैंने रोटी बना करके अभी अभी आई हूँ, कुएं से पानी लेकर के जाऊंगी, पर सब्जी बनाऊंगी, परिवार है सबको खाना खिलाऊंगी। तू कह रहे वैकुंठ चलो, मेरे पास में वैकुंठ जाने का कोई मेरे पास में कोई समय नहीं। अभी उन्होंने जिसको पूछे ना, कोई भी वैकुंठ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहे। बोले भैया ठाकुर तो सही बता रहे थे, कोई तो संसार छोड़ने के लिए राजी नहीं। देखा एक 100 साल के एक बूढ़े घर के सामने सर पर हाथ देकर बैठे हुए। बोले ये तो जरूर जाए क्योंकि वृद्ध हो गए, कोई काम धाम है नहीं। बोले आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम कैलाश है। बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ चलोगे? बोले देखो जाने का तो इच्छा है, लेकिन अभी एक बेटा का सगाई हो गई, अभी बेटा का शादी होने वाला, शादी हो जाएगा ना मेरे सारे काम खत्म हो गया, फिर तो सीधा हम वैकुंठ चले। बोले बोले भैया किसी तरह से एक व्यक्ति हाथ भरा, अभी तो कोई हाय नहीं भर रहे थे, नारद तो पीछे पड़ गए। बोले बताओ कब आऊं? बोले सगाई हो गई, कुछ दिन में शादी हो जाएंगे, मेरे सारे काम खत्म हो गया, फिर तो सीधा वैकुंठ चलूंगा। नारद जी कुछ दिन बाद में आए, बोले भैया कैलाश जी क्या बेटा का शादी हो गया? बोले आपका आशीर्वाद से बढ़िया से, और जो बहू घर में आई ना बड़ी आज्ञा करी, रोज रोज घी में चुपड़ करके रोटी खिलाती है, बढ़िया सब्जी सवेरे उठ कर तैयार करती है, बड़ी आज्ञा करी घर में बहू आई। बोले अभी तो शादी हो गई चलो वैकुंठ। बोले देखो नारद जी मैंने सुना जो पुत्र होता है ना वो पूत नाम का नरक से मुक्ति मिलती है, लेकिन अगर नाती पोते को देखो ना मैंने सुना स्वर्ग होता है। मन में तो सारी इच्छा पूरी हो गई, अभी जो बहू गर्भवती है, अभी एक बच्चा देने वाला, फिर तो मेरे कोई काम नहीं रहेगा, फिर तो मैं सीधा चलूंगा। नारद जी बोले भैया किसी तरह से हाथ भरा, एक व्यक्ति एक तो चला कम से कम बना, नारद तो पीछे पड़ गए। बोले कब आओ? बोले बहुत गर्भवती कुछ दिन में बच्चा होने वाले, फिर आ जा। नारद जी आए, आकर के देखा वहां पर कैलाश नहीं। बेटे को पूछा भैया पिताजी कहाँ गए? बोले क्या बताओ पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बोले हाय रे एक चेला बनने वाला था वो भी सिधार गया। बोले वो चेला कहीं भी नहीं गया, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हे अर्जुन जम जम व्यापी शरण भाव तेजन ते अंत कलेवर। बोले मरते समय जीव जैसे सोचते सोच करके चाहते हैं उसको वैसे ही जन्म ग्रहण करना पड़ता है। बोले ये जरूर ये घर में आए, क्यों? घर में बड़ा आसक्ति था, ध्यान में बैठ गए, देखा सचमुच से घर में कुत्ते बन करके आए, घर में कुत्ते बन करके आए। नारद जी बोले क्यों कैलास घर में कुत्ते बन गए? अरे कम से कम अभी तक चलो। बोले गुरु जी क्या बताओ ये बेटा इतना नालायक, देखो ये इतना ही जमीनी जगह तो जो देख रहे ना, मैंने कष्ट करके कितना कष्ट करके कमाया मेरे को पता, ये रात में सो जाता है, कौन क्या उठा करके ले जाएगा उसको, होश ही नहीं आवाज नहीं जाता, इसलिए रात भर मैंने भो करते करते पूरा मैंने ये पहरा कर देता हूँ। बोले हे भगवान कितने आसक्ति। बोले बोलो कब चलोगे? बोले गुरु जी थोड़ा समझदार बन जाए फिर तो मैं चलूंगा। गुरु जी आते हैं तो कुछ दिन बाद में देखते हैं कुत्ता भी चला गया। बोले भैया कुत्ता कहाँ गया? बोले गुरु जी क्या बताऊं इतने अच्छा कुत्ता था, घर से कोई एक तिनका भी यहाँ से उठाने नहीं देता था, हम तो इसको निश्चिंत होकर छोड़कर चले जाते थे। क्यों कारण क्या? बोले कारण है उसने सब कुछ कमाया था, कितने कष्ट करके कमाया था उसको ही पता, इसलिए कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता, जो जैसे कर्म करता है उसको ठीक वैसे जन्म लेना पड़ता है। देखो हम लोग मथुरा में हमारे बड़े गुरु जी रहते, वहां पर एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, ये न्यूज पेपर में कथा आई थी, ये उसने दूसरे जीवन में उसने के कुत्ते जन्म रूप में जन्म ग्रहण किया और उसको बेटे को उसने स्वप्न दिया। बोले बेटा तुम अमुक जगह पर आओ, मैं अमुक जगह पर एक कुत्ते रूप में जन्म लिया हूँ, एक घर पे घर में अभी मैं घर में रहता हूँ, मेरे को बांध कर रखना है, मेरे को वहां से लाओ। पहला दिन उसने स्वप्न देखा, सोचा स्वप्न कैसे होता है झूठा फूटा होता है, कुछ देख लिया। दूसरे दिन फिर उसको स्वप्न आई,
स्वप्नाय बोले पिता तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, अमुक स्थान पर आकर देखना, वहां पर मैं बंधा हुआ उत्तर रूप में, मेरे को वहां से लेकर के तुम आओ। सचमुच से मैंने अपना मैया को बोले, बोले माता जी मेरे को पिताजी का स्वप्न आया है। बोले क्या स्वप्न आया? बोले ऐसे ऐसे मेरे को स्वप्न आया, अमुक स्थान पर मैं हूँ कुत्ते रूप में, चलो मेरे साथ में तुम चलो। जब उसने अपना मैया को लेकर जो कुत्ता देख कर पहचान लिया, उसको मुझे छलांग लगाते है ना, उसको बेटे के ऊपर उसने छलांग लगाया और उसने कितने हजार रुपया मेरे कुत्ते को लाए, बहुत बड़ा पैसा वाला था, उसने ला करके इसी घर में कुत्ता, हम मथुरा के वो न्यूज पेपर में वो सारे को सारा ये न्यूज पेपर में आया था। इसलिए कृष्ण जो गीता में कहते हैं ना वो सही बात कहते हैं। फिर तीसरी जन्म में फिर बैल बन करके आता है। इतने में बोले भैया अभी तो भजन कर। बोले गुरुदेव देखो ये इतना जमीनी जगह पे ना, नहीं नहीं कष्ट करके कमाया है बच्चा, कुछ तो खेती करता छोड़ देता है, लेकिन कष्ट करके मैं नहीं कमाया था इसको, मेरे को बड़े उत्साह पूर्वक उसको लेकर के जमीनी को जोतना पड़ता है। बोले बेटा कब चलोगे? बोले थोड़ा होनहार हो जाए। फिर जब आता है बैल भी बन जाता है, फिर वो सर्प बन करके जन्म लेता है। बोले कहाँ पर? आपको पता होगा पहले क्या करते थे लोग, कलसी में सोना चांदी को रख करके अपना जमीन में गाड़ देते थे। उन्होंने कहाँ पर गाड़ा था उनको ही याद था, उसको पर सर्प रूप में बैठे हुए थे जिसको वहां भटकने नहीं देता। नारद जी ने देखा भैया इसको पीछे तीन जन्मों में भटक दिया, लेकिन अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना तब तक ठंडा होने वाले नहीं। बच्चे को बोले देख तेरे पिताजी कुछ बगीचा में कुछ सोना चांदी गाड़ कर गए, लेकिन तुम्हें बना बोल नहीं पाए, लेकिन उसको ऊपर सर्प बैठा हुआ एक डंडा लेकर के आ जा, लेकिन उसको जान से नहीं मारना, केवल कमर तोड़ देना। बोले भैया मेरे पिताजी पैसा रख करके बोले ही नहीं, राक्षस होकर डंडा लेकर के आया। बोले डरना नहीं, सर्प तुम्हें काटेगा, क्यों पता ना उसको पिताजी तेरे को काटेगा नहीं, तुम जाओ। सर उठाया उसने मारा डंडा अपना पिताजी कमर तोड़ दी। बोले उसको फेंक दो गड्ढे खोदो, सचमुच से कलसी निकला। बोले ले जाओ। वो सर्प आग फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों? उसकी आसक्ति थी। बोले क्यों कैलाश, अभी तो भजन करोगे? तेरे पीछे मैंने तीन जन्म तक घूम गया, अभी भजन करोगे? बोले गुरुदेव मेरे बेटा ही अपना कमर तोड़ दिया, अभी मैं भजन करूंगा भक्ति करूंगा। देखो ये सब बात है ना, कभी कभी लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है, कभी क्या बात सही है? अब मतलब की बात सही है पता चलता है ना। देखो मैं कल आपको एक चीज ला करके दिखाऊंगा। मैंने कथा करने के लिए गया था झाड़ग्राम, ये बंगाल का तरफ में झाड़ग्राम है। मैंने जब ये कथा सुना रहा था, एक भक्त ने दूसरे दिन मेरे को न्यूज पेपर ला करके दिखाया। बोले बाबा आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो। बोले क्या है? बोले बाबा ये न्यूज पेपर को आप पढ़ो, कल आपको ला करके मैं दिखाऊंगा। उसमें देखो घटना क्या है। बोले एक व्यक्ति जो घर था वो भित्ति खनन कर रहा था, भित्ति खनन जैसे फावड़ा से मिट्टी काटते है ना, जब उन्होंने काटा झन करके आवाज हुई। बोले भैया ये झन करके आवाज क्यों हुई? देखा उसको वहां पर एक कलसी है, पीतल का कलसी, और वो कलसी को अंदर में सोने चांदी के मोहर है, और देखा वहां पर एक कलसी में एक जहरीले सर्प लपेट करके उसको पर बैठा हुआ, और किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहा किस तरह से। इतने में पुलिस में खबर हो गया, वहां की कलसी निकला है और रानी का नाम लिखा हुआ, कौन सा रानी का? उसको पर में नाम जो मोहर था, और एक जहरीले सर्प, पुलिस आ गया उसको जब्त कर लिया और वो जहरीले सर्प को बोरी में भर दिया, भर करके करीब 3 किलोमीटर में उसको छोड़ करके आई सर्प को। फिर आधा घंटा में देखा फिर सर्प वहीं पर घूम रहा है, किसी तरह से वो जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। वो न्यूज पेपर मेरे पास में है, कल मैं ला करके आपको दिखाऊंगा, डिटेल रूप में देखोगे कौन सा काम पर वो कल से दिया गया है, और जिस रानी का नाम लिखा हुआ मोहर में वो रानी का नाम उसमें दी गई, और मोहर देखोगे अब कल ला करके दिखाऊंगा वो न्यूज पेपर में निकला था। इसलिए ये चीज को ना केवल गल्प नहीं माननी चाहिए। इसलिए आसक्ति, हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? ये आसक्ति का वजह से
एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे जन्म, ठीक है ना। इसलिए आसक्ति किसको करनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रति आसक्ति करो, भगवान के प्रति आसक्ति करो, फिर मरने के बाद सीधा ठाकुर जी को पास में आप जाएंगे। आप लोग बोलोगे हम क्या घर, हम तो साधु संत थोड़ी है, हम तो घर गृहस्थी है ना, हमारा बेटे है, नाती है, संसार है, अब थोड़ी हम साधु संत सब छोड़कर बाबा बन जाएंगे। हाँ देखो, घर छोड़कर बाबा बनने का जरूरत नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु का तो घर में रहो, कहा रहो, घर में रहो, घर छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपना जो घर है ना, भगवान की भक्ति का संसार बनाओ। महाप्रभु कहते हैं गृह बाप बने तो ठाकुर घर में रहो, नहीं तो वन में रहो, क्या करो, सदा हरी बोल जाको, अपना घर का स्वरूप मानो भगवान की मंदिर, अपना घर को अपना घर मत मानो। घर किसने दिया है, घर ठाकुर ने दिया। गोपियां क्या घर में नहीं रहती थी, वो भी तो घर में रहती थी, लेकिन घर में जब रसोई बनाती थी, हाथों में तो रसोई बनाती थी, दधि मंथन करती थी, लेकिन मुंह में ठाकुर जी का नाम लेती थी, रसोई बनाती थी। बोले किसके लिए रसोई बना रहे, बोले ठाकुर जी के लिए। बच्चों को प्यार दो, क्यों, बच्चे किसने दिया, बोले ठाकुर ने दिया, ठाकुर का बच्चा, इसी मान करके बच्चे को प्यार दो, बड़े होगा तो भजन करेगा। कोई काम करके पैसा कमाते हो, बोले क्यों पैसा कमाते, बोले ठाकुर को सेवा करेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे। अपना शरीर को स्नान कराओ, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाओ, बोले क्यों, बोले गंदे शरीर से ठाकुर को हम सेवा कैसे करेंगे, शरीर पवित्र रहेगा तब तो ठाकुर को सेवा कर सकते है ना। इसलिए किसी को छोड़ने का जरूरत नहीं, लेकिन हर चीज को ठाकुर में जोड़ दो, क्या करो, ठाकुर से जोड़ो, छोड़ने का जरूरत नहीं। देखो अच्छे तरह से समझो, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिए, वो उदाहरण देते हैं, बोले राम नाम की अंत कहे, सब साधन की सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। देखो इतनी सी चीज को अपने दिमाग में बैठा दो, फिर तो हमारा कल्याण हो जाएगा। देखो क्या उदाहरण देते हैं, जैसे एक रखो, एक को सिद्धार्थ ने भी सुना दो, आप लोग बताओ कितना होगा, बोलो, एक रख करके सिद्धार्थ ने भी जीरो दो, कितना होगा, कोई बोल नहीं रहे हो, दस होगा। लेकिन पहले था एक, पहले था एक, लेकिन जब एक जीरो दे दिया ना, वो झट दस गुण हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, सौ। पहला कितना था, दस, लेकिन एक जब जीरो दे दिया, दस कितना हो गया, सौ हो गया, दस गुण बन गया, और एक जीरो तो कितना होगा, हजार। पहले कितने था, सौ, पहले था सौ, लेकिन जब एक जीरो दिया कितना हो गया, एक हजार, तो दस गुण बन गया। अभी वो कहते हैं, अभी एक को हटा लो, अभी जीरो दो कितना होगा, कुछ भी नहीं, और एक जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, कुछ नहीं। देखिए यही चीज को समझो, कहते भैया एक किया, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, बोले जीरो किया, बोले ये संसार जीरो ही है, क्योंकि एक दिन सब तो संसार छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हमारे पिताजी के पिताजी गए, हम भी एक दिन जाएंगे, जीरो है, एक दिन सब संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जीरो हीरो बन सकता है तब जब वो एक में जुड़ जाएगी। उसी तरह अगर ये संसार प्रभु की भक्ति में जुड़ जाए, बस कामी बन जाएगा। इसलिए किस चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, क्या करो, ठाकुर को साथ में हर चीज को जोड़ो, छोड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया ठाकुर ने बनाया, ठाकुर ने दुनिया दिया, इसको छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को प्रभु का भक्ति में जोड़ दो, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम। और एक बार बोलो सबके साथ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसलिए श्री नारद जी को, नारद जी व्यास देव को बोले बेटा भागवत ग्रंथ रचना करो, भागवत से शांति मिलेगी। फिर उन्होंने श्री मद भागवत ग्रंथों को रचना किया, बड़ी सुंदर ग्रंथ बनाया।
बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा प्यारा बन गया, लेकिन ये ग्रंथ को पढ़ाएंगे किसको? क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही वो सन्यास लेकर के चले गए। बोले उनको वापस कैसे लाएंगे? बोले व्यास देव का चार चेले थे, अपना चेलों को बताए देखो मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, मेरे तोते को पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरुदेव जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कैसे? बोले मेरे तोते को पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें चारों को चार मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपने आप जो तोता पकड़ में आएगा समझना मेरा वही तोता। बोले गुरुदेव ऐसे मंत्र? बोले हाँ। तो उन्होंने पहला चेले को उन्होंने पहला मंत्र सुनाया, वो मंत्र कौन है आप लोग भी याद कर लेना, वो मंत्र ये राधा रानी, राधा रानी अपना मुखार बिंद से ये कृष्ण कितने सुंदर है, हमारे श्री बांके बिहारी कितने सुंदर, कहते ना बांके बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो लटा पटा, मतलब बांके बिहारी कितने सुंदर है, कहते राधा रानी अपना मुखार बिंद से बांके बिहारी की सुंदरता को जो वर्णना की, ये पहला मंत्र है। बले बरहा पिडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारम्। कहते कृष्ण कैसे सुंदर हैं? बले बरहा पिडम, बरहा पिडम मतलब जिसने अपना सर में मोर पंख लगा करके रखे। बले कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं? तो उसको पांच कारण बताए कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं, ठीक है ना? आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाते हैं कृष्ण मयूर पंख क्यों लगाते हैं। बताओ पहले तो सुने हैं, कोई एक कारण बताओ, कौन बोलेगा कृष्ण मयूर पंख क्यों लगाते हैं? आप लोग पहले सुने नहीं, बोलो कोई एक कारण तो बता दो, कौन बोलेगा? कोई नहीं जानते, ठीक है आज मैं बोलता हूँ फिर कल मेरे को सुनाना, ठीक है? आज मैं पांच कारण बताऊंगा, कल मेरे को आप एक ही कारण बोल देंगे, ठीक है? पहला कारण है कभी जो मयूर पंख में श्री किशोरी राधा जी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए श्याम सुंदर अपना सर पर मयूर पंख लगा करके राधा रानी का नाम को सर्वत्र घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन में राधा जी को कहते वृंदावनेश्वरी राधा रानी, कृष्ण को कोई राजा नहीं कहते लेकिन राधा जी को क्या कहते? राधा रानी। इसलिए वृंदावन के अधीश्वरी कौन है? श्री किशोरी जो राधा रानी, इसलिए मयूर पंख लगाकर राधा जी का नाम को सर्वत्र भगवान प्रचार कर रहे हैं, मुकुट मणि उन्होंने धारण किया, ये पहला कारण। दूसरा कारण है कि जो मोर है ना ब्रह्मचारी, ये कभी पत्नी से नहीं मिलता है। बोले फिर इनके बच्चे कैसे होता है? बोले जिस समय पुरुष मयूर नृत्य करता है उसी समय उसका रेत स्खलित होता है, और जो स्त्री मयूरी पीछे पीछे रहती है रह कर उनका रेत को खा लेती है फिर वो गर्भ धारण करती है। इसलिए कि जो मयूर है ये ब्रह्मचारी, भगवान ब्रह्मचारी को बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए अपना सर के ऊपर वो मयूर पंख लगाते हैं। फिर तीसरा कारण, आप लोग बरसाना गए हो, कौन कौन बरसाना गए? गहुआ बन की परिक्रमा लगाए, लगाए ना, देखना वहां पर मयूर कुटी है। पर मयूर कुटी क्यों नाम पड़ा? बोले कृष्ण और राधे दोनों वहीं पर मयूर मयूरी बने, वहां पर नृत्य किया था वहीं पर, इसलिए उसका नाम मोर कुटी कहते हैं, मोर कुटी कहते हैं। चूंकि श्री राधा रानी कभी मयूरी बनी थी इसलिए राधा जी की स्मृति के लिए कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। कितना कारण हो गया? तीन, आप लोग सही गिन रहे हो। चौथा कारण बताए, देखना मोर कब नृत्य करता है, देखना जब आकाश में काला मेघ छा जाए और उसमें बिजली चमकने लग जाए, घड़ 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 शब्द हो, तब मोर पंख फैला करके नृत्य करता है। कृष्ण का रंग कैसे? बोले घनश्याम रंग। पीतांबर कैसे? जैसे बिजली चमकती है। मुरली कैसे? जैसे घड़ 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 शब्द होता है। वैसे भी कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, अभी बंसी ध्वनि सुनकर मोर तो पंख खोल करके थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर दिया। जब नाचा अभी मयूर बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले क्यों? बोले कृष्ण बंसुरी बजाए, बंसुरी बजाए तभी तो मैंने नृत्य की ना, इसलिए कृष्ण को कुछ उपहार देनी चाहिए। बोले भैया मेरे पास में कुछ तो है नहीं, मेरे पंख ही है। इतने में मयूर ने अपना पंख को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो उससे एक पंख गिर पड़ा।
अब ये प्रेम का उपहार है, इसलिए कृष्ण मौर पर को उठाए और उन्होंने अपना सर पर लगा दिया। कितना गान हुआ? चार गान हुआ। पंचमा गान बताए, एक दिन कृष्ण जा रहे, चल रहे थे, चलते चलते मेन रोड के ऊपर में मोर पंखा गिरते हुए देखा। मोर पंखा ने कहा, प्रभु मैं जिसको पीछे लगा हुआ था है ना, देखो मेरे कैसे छोड़ दिया, मेन रोड में कैसे पड़ा हुआ, मेरे कोई मालिक नहीं, मेरे दशा को देखो। कृष्ण कहते, चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई भी नहीं पूछने वाले, पूछने वाला मैं। इसलिए कृष्ण को बताए, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सिंधु दया के बंधु, मतलब दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछने वाले है ना, अगर कोई पूछने वाला था हमारे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी बांके बिहार जी को पूछने वाले, बोले चिंता क्यों करते मैं हूं ना। इसलिए उन्होंने उठाया, तो कहां पर स्थान दिया, अपना सर को ऊपर स्थान दे दिया। कितना गाना हो गया? छठवा गाना बताए, मोर का नृत्य आप लोगों ने कभी देखा, मोर को नाचते हुए कौन कौन देखे? देखना मोर जब नृत्य करता है ना, बड़ा सुंदर पंख बुकलो कर झाड़ करके धीरक धीरक करके नृत्य करता है। इसलिए मोर का नृत्य सबसे सुंदर मोर नृत्य, इसलिए कृष्ण मोर पंख इसलिए लगाए। बोले जगत में जितने सारे नाचने वालों में सबसे अगर कोई सुंदर नाचता है ना, मैं सबसे सुंदर नाचता हूँ। इसलिए शंकर जी का नाम तो नटराज है, लेकिन कृष्ण का नाम नटवर। नटवर मतलब, नट मतलब होता है शंकर, वर मतलब होता है शंकर जी का जो पति। बोले भैया शंकर जी का पति कैसे कृष्ण हुए? हम आगे सुनेंगे, जब कृष्ण रास रचाते हैं, शंकर जी गोपी बन करके रास लीला देखने आए। शंकर जी गोपी स्वरूप बने थे कि नहीं, बताओ गोपियों का पति कौन है? गोपियों का पति कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ये मोर पंख किसे इसलिए लगाते हैं, जगत में सबसे सुंदर नाचने वाले कौन हो, मैं हूँ जगत में सबसे सुंदर नाचने वाले। इसलिए बोले बराहा पीड़ा मुंडा बरा बबू, बोले भगवान के स्वरूप कैसे, बोले तीन जगह से टेढ़े। बोले टेढ़े क्यों तीन जगह से? बोले कोई सीधा चीज अंदर में जाए तो निकल जाएगी, लेकिन कोई टेढ़ा चीज घुस जाए ना निकलेगा। इसलिए कृष्णा अगर उसके दिन में एक बार बैठी गए ना, बोले भैया मैं वो निकलने वाला नहीं। इसलिए वो टेढ़े टांग से सावधानी रहनी चाहिए, इसे टेढ़े टांग से सावधान रहनी चाहिए। एक बार अगर अंदर में चले गए ना, फिर तो पागल बना देंगे, जैसे आप लोग सब पागल बन गए। कभी कृष्ण की कथा सुने, सब पागल होकर घर बार छोड़कर कहां गए, कहां पर कथा सुनने के लिए हैं। इसलिए नटवर को पुकारने वो करनी कारण, इसलिए दोनों कान में एक कनियर पुष्प है, गले में से लेकर चरण तक वैजयंती माला पहने हुए, और भगवान कृष्ण बड़े सुंदर कृष्ण है, बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी कृष्ण क्यों बजाते हैं? बोले बंसुरी में दो गुण है, कितना गुण है? अगर हम भी बंसुरी बज जाए ना, ठाकुर हमें भी बजाएंगे। बोले पहला गुण किया, बोले अंदर खाली खोला है। कृष्ण कहते हैं अगर मेरे पास में आओ ना, दिल को खोल करके आओ, भर करके नहीं। फिर कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी की आवाज वैसे आती है। कृष्ण कहते भैया मैं जैसे चाहूं वैसे बजा, अपने आप मत बजा दो, अपना मनमानी से मत चला करो, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चलो, बस फिर तो बजने लग जाएगी। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं, अगली जीवन में और मैं राधा नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण बंसुरी को भी छोड़ते नहीं, कभी अधर पर, कभी कमर पर, कभी हाथों में। कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधर में हमारे अधिकार, लेकिन ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके सारे हमारे अधिकार को यही छीन रहा है। इसलिए चलो हम पूर्णमासी से प्रश्न करेंगे, ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया जो इसी जीवन में बंसुरी बन करके आए, हम भी कैसे पुण्य करके अगले जीवन में बंसी बन करके आएंगे। कहते देखो ये वृंदावन धाम कितने महिमा, इसलिए देखना सारे जितने अवतार है ना भगवान के, सबके सब पादुका पहने, नारायण देखो, राम को देखो, नरसिंह देखो, लेकिन कृष्ण ही ऐसे हुए जब कभी जूते कभी नहीं पहने। जब कृष्ण गैया चराने के लिए जा रहे थे, मैया बोले लाला तेरे लिए दो जूती बना देती हूँ। कृष्ण बोले मैया हम गोपाल है, गैया हमारी आराध्य,
हम उनकी सेवक है और हमारे आराध्य गैया की जूती नहीं क्षति नहीं। अब तू कहती है मेरे लिए क्षति जूती बना दोगी, अगर मेरे लिए क्षति जूती बनाना जितने गैया सबके लिए चार चार जूती बना दो और एक एक छतरी बना दो फिर मेरे लिए बना देना फिर मैं पहनूंगा। इसलिए कृष्ण कभी युद्ध धारण नहीं किए। इसलिए जब कृष्ण खाली प्यार में श्री वृंदावन में चलते थे कृष्ण की चरण का छाप अभी भी ब्रज में पड़ा हुआ। कौन कौन देखे हो जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं ना अभी भी कृष्ण का इतने बड़े बड़े चरण है इतने बड़े बड़े एकदम कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे पहाड़ के पहाड़ गल जाती थी इतने बड़े बड़े अभी भी 5,500 साल से अभी भी चरण चिन्ह अभी भी भगवान की पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं वृंदावन ने इसे कौन सा पुण्य की जो भगवान वृंदावन की जब भ्रमण करते थे जो घास बोले घास नहीं जैसे भगवान का चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी की जैसे रोंगट खड़े हो जाती है बोले झरना नहीं जैसे कोई आनंद से आंखों से आंसुओं को बहाते हैं ये पृथ्वी आनंदित होकर के आंखों से आंसू बहा रही है। तो देखो वृंदावन की कितने सौभाग्य है। इसलिए जब सखाओं के साथ में कृष्ण चलते हैं कृष्ण की जय जयकार करते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार में अंजलि आ रही है। आज कोई व्रत रखे हो नहीं तो मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है। हम बताए ना जो जितने जोर से प्रभु का जय देगा उसको उतना ही जय जय होगा। जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए उन्होंने पहले चेले को पहला श्लोक सिखा दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञान दिए लेकिन जब कृष्ण की वर्णना सुने ब्रह्म तो निराकार है उसका तो कोई रूप गुण है ही नहीं लेकिन हमारा कन्हैया तो बड़े सुंदर है बड़े प्यारे है, है? जब उन्होंने कृष्ण की रूप की महिमा सुनी सुखदेव गोस्वामी परम ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन सारे ब्रह्म ज्ञान को ठुकरा करके बाहर निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिले। बोले हमारे गुरुजी ने बताए मेरी कही है कि तोता उड़ते हुए चला गया ये श्लोक सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आई वही मेरी तोता। बोले मैं वही तोता हूँ मैं वही तोता हूँ। बोले देखो कृष्ण तो दिखने में बड़े सुंदर कृष्ण है। देखो ध्यान देकर सुनो कहते भक्ति करे तो बांके बिहारी की क्यों करे और कभी देवा देवी ना क्यों नहीं करती है चीज को समझा रहे हैं किस लिए हम कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। उदाहरण दिया जैसे आप अपना बेटी को कहीं शादी देना चाहते हो सबसे पहले क्या देखोगे वो बेटा देखने में कैसे भले कोई चीज मत देखो सबसे पहले देखो बेटा बोले भैया पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है बेटा देखने में बड़े सुंदर सबसे पहले देखोगे देखने में तो बड़ा सुंदर बांके बिहारी कितने सुंदर कितना बांके बिहारी की देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा बांके बिहारी की देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा अज
जब आके भी आ रही थी किसने दर्शन किया दर्शन दर्शन बीच में कोई नहीं आप बहुत लोग नहीं किया आज जब आके बिहारी जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लग जाता है कि नहीं देखा क्यों पर्दा लग रहा है हाँ ठीक बोला तो बांके बिहारी का एक नाम है भक्तवत्सल भगवान तो बांके बिहारी हमारे इतने सुंदर है कि देखते ही मतलब देखते ही रह जाते इतने सुंदर है सुंदरम इमना सुंदर तो इसलिए बांके बिहारी का एक नाम है भक्तवत्सल भगवान यानी कि भक्त के प्रेम में बिक जाते हैं उनके साथ साथ चल देते हैं इसलिए उनका एक नाम है भक्तवत्सल भगवान बोलो बांके बिहारी लाल की जय अच्छा जब बांके बिहारी से नैन मिल जाता है तो फिर इधर उधर कोई नहीं भागता क्या करते हैं वो दीवाना हो जाता है पागल हो जाता है तो इसलिए आप लोग कौन भगवान से प्रीत करते हैं कौन कौन करते हैं प्रीत बस दो चार आदमी अरे प्रीत किया है तभी तो यहाँ आए हो आप लोग हैं बांके बिहार से प्रीत किए हो तभी तो कथा सुनने आए हैं प्रेम हो गया है तो आइए बांके बिहार से प्रेम जिस जिसने किया है खड़े हो जाए नृत्य करने के लिए अरे मेरे लगी शाम सक प्रेम दुनिया क्या जाने मेरे लगी शाम सक प्रेम दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का
मन पे बस गई प्यार जगतिया, मन पे बस गई प्यार जगतिया, अरे जब से उड़ी बन जा अरे लोग कहे मत भाई हाथ उठा दीजिए ऊपर, हाथ उठाकर क्या बोलना है?
हाँ सभी लोग राधे राम की धुनी का गाएंगे। अरे प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, हे चाचा जाते, अरे आवाज ले आई, अरे बैठे चढ़िया, हे प्रेम से बोलो, हे प्रेम से बोलो, हे प्रेम से बोलो, हे चिंगली में, हे चिंबाग में, हे भवन घर में, हे जंगल गांव में, हे जंगल में, हे बालू की ते, हे भोले खाने वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी इसका तरफ साउंड मीठा करो, मैं गलाए बैठूंगा। हरे कृष्ण। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब सुने कृष्ण कितने सुंदर है, कितना उनकी महिमा, कितने गुणशाली, तब श्री सुखदेव गोस्वामी सब छोड़ करके श्री व्यास देव जी के पास में आए। फिर व्यास देव जी उनको पूरी ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए। इसलिए कहते भागवत कथा की वक्ता कौन है, जो परम ब्रह्म ज्ञानी, परम ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी जो मैया के पेट में 16 साल तक रहे। बोले मैया इसका श्रोता कर, बोले मैया श्रोता भी साधारण नहीं, परीक्षित है। बोले इनका नाम परीक्षित नाम क्यों पड़ा, बोले जब ये माँ के पेट में थे तब श्री अश्वत्थामा ने उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया और उसी समय उत्तरा ने कृष्ण की शरण में चली गई और कृष्ण पेट के अंदर में प्रवेश करते हुए इन्होंने श्री परीक्षित महाराज को बचाए। इसलिए परीक्षित महाराज गर्भ में कृष्ण दर्शन की थी। जब वह जन्म हुए सबको परीक्षा कर रहे थे, वो जो अंदर में काले काले मुरली वाले को देखो वो कहाँ है, इसलिए सबको वह परीक्षा कर रहे थे। इसका इनका नाम पड़ गया परीक्षित महाराज। इसलिए वक्ता जैसे बहुत ब्रह्म ज्ञानी, श्रोता भी साधारण नहीं, जिन्होंने गर्भ में कृष्ण दर्शन किए, फिर कृष्ण की गोद में जो लालन पालन भी कृष्ण ने किए। इसलिए वक्ता भी बहुत बड़ा और श्रोता भी बहुत बड़ा है। कृष्ण जब जब जाने के लिए तैयारी होते थे द्वारका में, पांडव लोग जाने नहीं देते थे। एक दिन मैया कुंती ने कृष्ण को बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति सुन करके बोले बुआ जी, तू तो आज उल्टा गंगा बह रहे हो, ठीक है आज तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तब मैया कुंती झोली पसार करके बोली, बोले कन्या अगर देना चाहते है ना मेरे झोली में विपत्ति कर दो। बोले बुआ जी क्या बोल रहे हो, सारा दुनिया मेरे पास में संपत्ति मांगते हैं, तुम ये विपत्ति क्यों मांग रहे हो। बोले कन्या, बोले सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को आए। इसलिए सुख के मात सीन पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। आप लोग बताओ, तो आपसे प्रश्न करता हूँ, आप लोग सुख में ज्यादा प्रभु का स्मरण करते ना दुख में? बोला बोला दुख में। इसलिए माँ कुंती कहती है, बोले कन्हैया जिसको पास में चार चीज होगा ना वो कभी तेरा भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज क्या है, अगर ज्यादा पैसा हो जाए, देखना ज्यादा पैसा वाला हो कहीं सत्संग में देखने को नहीं मिलेगा, अगर कभी आ गए हाजिर दे दिया तो और कहीं चले जाए,
कहीं जुआ नहीं तो नाइट क्लब नहीं तो जहां पर शराब पीकर उल्टा पुल्टा जगह में देखोगे उस सब लोगों को देखोगे उनको सत्संग में आए तो हैं बोले इसके लिए हमारे पास में कोई समय नहीं इसलिए ज्यादा पैसा होने पर अंदर में अभिमान आ जाती है लेकिन अगर मैं किसको पास में पैसा है लेकिन अभिमान नहीं भक्ति करता है समझना ठाकुर जी की उसके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की बड़ी कृपा उसके ऊपर इसलिए कुंती कहती है जिसको पास में ज्यादा पैसा हो बोले दूसरा चीज बोले अगर थोड़ा चमड़ा का रंग बढ़िया हो जाए हीरो हीरोइन हो जाए हैं चमड़ा की रंग थोड़ा ज्यादा सुंदर हो जाए देखने में बोले बड़ा अभिमान आ जाते हैं सबको बीच में बैठ कर सत्संग सुन के कैसे हमारा पेस्ट्रीज डाउन नहीं हो जाएगा हम सत्संग कैसे सुनेंगे यदि ये लोग सत्संग में नहीं मिलेगा उनको फिर जन्म जन्म मतलब कोई अगर हाई फाई वंश में कुल में जन्म हो जाए ये अभिमान आता है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रुत मतलब है थोड़ी सी ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो जाए एम ए पी एच डी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए बोले भैया सत्संग में बैठे का प्रेस्टीज खराब हो जाएगा लोग तो कथा में बैठे हुए हो कहाँ पर बैठे हुए जहाँ पी रहे हैं जहाँ डिस्को डांस नाइट क्लब में सब मिलेंगे लोग इसलिए माँ कुंती कहती है बोले प्रभु नमो अकिंचन विकाय विपरीत गुण हृदय तुम तो उसकी धन हो जो निष्किंचन साधुओं का तुम धन हो आप देखो भगवान राम के जितने भक्त देखो किरण बंदर मिले सुग्रीव बंदर मिलेंगे विभीषण राक्षस मिलेंगे काल भूषणी कौवा मिलेंगे गौरव गिरधर मिलेंगे रीच मिलेंगे हैं इसलिए सबर भगवान सबरी का झूठा बैर का गुरु का निषाद मिलेगा देखो ना भगवान अक्सर करके ना तीन हीन व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ठाकुर को कृपा हुई है इन्हीं के ऊपर में ठाकुर को विशेष कृपा हुई हाँ क्या बड़े बड़े पैसा वाला को ऊपर कृपा नहीं किया है जैसे ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज अम्बरीश महाराज युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज भरत महाराज राजा नहीं महाराज थे लेकिन जिसको पर मैं ठाकुर को विशेष कृपा हुई कुंती कहती है बोले प्रभु तेरी भक्ति वही व्यक्ति करते हैं जिसको पर मैं तेरी विशेष कृपा जिसको पर हो जाए इतने में मैया कुंती भगवान से उनने दुख मांग लिए अभी से पितामह भीष्म अभी सरसजा में लेट हुई इनकी भी अंतिम इच्छा ठाकुर जी को दर्शन करते करते अंतिम श्वास को मैं त्याग दो भगवान ऋषि मुनियों के साथ में ठाकुर जी गए और उन्होंने भगवान को दर्शन करते करते उनका नाम लेते लेते पितामह भीष्म जी अंतिम श्वास को त्याग दी देवता लोग देख कर हैरान हो गए बोले हे भगवान बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाही लेकिन देखो ठाकुर का दर्शन करते करते ठाकुर जी के नाम लेते लेते भगवत गति को उन्होंने प्राप्त की सारे देवता लोग उनकी जयकार किए बोले श्री पितामह भीष्म की अभी कृष्ण बोले पांडव को बोले पांडव अभी मेरे को विदाई दो अभी मैं द्वारका जा रहा हूँ अर्जुन उनको द्वारका लेकर चले गए लेकिन 7 महीना हो गया कृष्ण वापस नहीं आया एक दिन युधिष्ठिर महाराज देख बड़े अपशगुन देख रहे थे उन्होंने अपशगुन क्या देखा एक दिन पहले दो व्यक्ति लड़ते लड़ते आए लड़ाई का विषय क्या था एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जमीन बेचा था वो खेती करते करते जमीन को अंदर से एक सोने की कलसी निकली जिस व्यक्ति को उन्होंने बेचा था वो सोने का कलसी लेकर के आया जिसने बेचा था बोले देख तू मेरे को जमीन बेचा लेकिन इस सोने का कलसी तुमने नहीं बेचा लो ये सोने का कलसी दे रहे तू इसको ले जाओ वो कहता है भैया मैंने तेरे को जो बेच दिया जो कुछ तेरा तू ले मेरे को क्यों दे रहे हो मतलब एक दिन पहले सोने का कलसी कोई लेना नहीं चाह रहा और तेरे मेरे बोलते बोलते तू ले और तू ले लड़ते लड़ते युधिष्ठिर महाराज के पास में गए युधिष्ठिर महाराज बोले एक काम करो तुम दोनों कल आ जाओ फिर मैं कल विचार करके बताऊंगा लेकिन दूसरे दिन फिर लड़ते लड़ते गए बोले क्यों जिसने बेच दिया था वो कहता है मैं तेरे को जमीन ही बेचा था लेकिन सोने की कलसी नहीं बेचा इसमें मेरी अधिकार और जिसको बेचा था बोले तुमने जो बेच दिया मेरे को सब कुछ मेरा तेरा कैसे अधिकार एक दिन पहले कोई लेना नहीं चाह रहा था दूसरे दिन कोई देना नहीं चाह रहा युधिष्ठिर महाराज समझ गए भैया ये कलयुग आ गया
कलयुग मतलब क्या? जहाँ पर केवल कली लड़ाई झगड़ा है। समझ गए, कलयुग आ गया है। उनने भीड़ अपशगुन देखा, इतने में देखा अर्जुन को आते हुए, सारे चेहरा लटका हुआ, शरीर में कोई तेज नहीं मिला। अर्जुन क्या हो गया? जो भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए। बोले इसलिए तो मैं देख रहा था अपशगुन, क्योंकि एक दिन पहले इतने परिवर्तन कैसे हो गया। मतलब एक दिन पहले कृष्ण थे, और कृष्ण रहते समय ये धर्म संपूर्ण रूप में धर्म निवास करता था, लेकिन जब कृष्ण चले गए, अभी द्वापर युग के बाद में कलि युग आ गया, इसलिए उन्होंने देखा इतना अपशगुन। इतने में अर्जुन एक एक बात को याद करते करते रो रहा था। बोले भैया आपको याद है? बोले किस बात की? बोले जिस समय अपने जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए, लास्ट में द्रौपदी को भी अपने जुआ में लगा दिया, द्रौपदी को भी उन्होंने कपड़ जुआ में जीत लिया दुर्योधन ने। इतने में दुर्योधन का दुशासन, द्रौपदी अभी राज रानी नहीं, हमारी नौकरानी दासी, जाओ उनको पकड़ करके ले आओ। और दुशासन वो रजस्थला अवस्था में थी, केस को पकड़ करके घिसटते घिसटते दक्षिणा में ले, विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो। इतने में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हरी, जब उन्हें दोनों भुजा को उठा करके उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। दस आजर हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन दस गज साड़ी खत्म नहीं हुई। तो याद है, देखो ध्यान देकर सुनो, ये कुंती अपना कुंती ये कहती है, श्री द्रौपदी ये उत्तरा को कह रही है, द्रौपदी उत्तरा को कह रही है। बोले द्रौपदी कौन है? अर्जुन की पत्नी द्रौपदी। आप बताओ उत्तरा कौन है? उत्तरा कौन है? किसकी बहू? अर्जुन की बहू। ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। देखो क्या बात कहती, बड़ी अच्छी बात बता रही। ये द्रौपदी कहती है, बोले बहू जी अगर किसकी शरण में जाना है ना, तो बोले कृष्ण की बाकी बिहारी की शरण में जा, और किसकी शरण में मत जा। बोले क्यों? बोले ये मेरी परीक्षा मैंने करके देखा, अजमाते हुए वाली है। बोले कैसे? आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये द्रौपदी कह रहे हैं मेरे जो पांच पति है ना, उसी समय पहलवान कोई नहीं था गदा युद्ध में, अर्जुन जैसे इतने बड़े योद्धा कांडिंगधारी में किसका नाम आता है? अर्जुन का। युधिष्ठिर महाराज भाला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, और नकुल सहदेव तलवार युद्ध में इनके बराबर दुनिया में कोई नहीं थे। पांच पांच रथी महारथी थे। द्रौपदी कहती है मैं पहले बड़े दी ज्ञानति थी, लेकिन ये क्या दी ज्ञानति, मेरे पांच पांच पति, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन जिस समय दुशासन मेरे कपड़े खींच करके हरी सभा में ले आए, मैंने पांच पांच पतियों को तरफ में देख रहा था, लेकिन सबके सब सर लटका करके बैठे थे, कोई हमें बचाया नहीं। मैंने देखा भैया ये सब हमारे गुरु वर्ग है, कौन कौन? श्री पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, ये सबके सब हमारे पितामह है। ये जरूर हमने तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन उनके तरफ में भी देखा, वो भी कोई हमें बचाया नहीं। लास्ट में मैं स्वयं अपना कपड़े को मैंने पकड़ करके रखा, कोशिश किया खुद को बचाने के लिए, लेकिन मैंने बचा नहीं सकी। लेकिन मैंने जब देखा दुनिया में हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं सिवाय भाग्य दिया की, जब मैंने दोनों हाथ उठा कर कहा, हाथ उठाते हे ठाकुर तेरे सिवाय जगत में हमारी कोई है ही नहीं, तभी दो हाथ उठाते ना, हैं? तभी तो दो हाथ उठाते, मतलब कि ऐसा हाथ मतलब क्या, हे ठाकुर जो ऊपर वाला है ना, इसलिए तू ही हमें रक्षा करने वाला, दुनिया में कोई नहीं। इसलिए यहाँ कुंती कहती है, बोले बहू जी अगर शरणागत हो ना केवल भाग्य विहार की चरण में जाओ कृष्ण की, नहीं तो ये विपत्ति में कोई तुम्हें रक्षा करने वाले नहीं, केवल रक्षा करने जाते हो श्री भाग्य बिहारी, ये मैंने आजमा करके, मैंने ये बात स्वयं मैंने देखा। इसलिए बुलाओ तो किसको बुलाओ, जोर से बोलो, केवल कृष्ण का स्मरण करो,
कृष्ण ही हमें विपत्ति में वही बचाने वाले। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की। इसलिए श्री अर्जुन एक एक बात को स्मरण करते करते रो रहे थे, ऐसे जो कृष्ण हमें हर विपत्तियों में हमें रक्षा किया है, आज वो कृष्ण चले गए, ये आज ये कृष्ण चले गए। इतना सुनकर ही मैया कुंती तो वहीं पर प्राण त्याग दिए। बोले जब कृष्ण ही नहीं रह रहे क्या हुआ। पर पांडव लोग बोले जब कृष्ण चले गए हम पर क्यों रहेंगे। उन्होंने भी दुनिया को त्याग दिया। लेकिन जाने से पहले श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने हस्तिनापुर का राजा बना दिया। जब परीक्षित महाराज राज्य तो कर रहे थे, एक दिन उन्होंने देखा देश में बड़े अपशकुन दिख रहा है। उनको बाम आंख फड़क रहा था, बाम भुजा फड़क रहा था। देखो ये जो चिन्ह है ना, अगर माताओं के लिए बाम आंख बाम भुजा इसको फड़क के उसको अच्छा मानी जाती है, लेकिन पुरुषों लोगों के लिए सीधा हाथ फड़क तो उनकी समझ नहीं चाहिए कि हमारी अच्छा होने वाले मंगल होने वाले। बोले सबके समय बाम आंख फड़क रहा है, कौवा का का कर रहे हैं, गिद्ध चिल्ला रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, कुत्ते चिल्ला रहे हैं। उन्होंने सारे अपशकुन को उन्होंने देखा और उन्होंने श्री इसको श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा करके उन्हें चले गए। और एक दिन परीक्षित महाराज कुछ अपशकुन को उन्होंने देखा और उन्होंने चतुरंगिणी सैनिक को लेकर के घूमने गए देखने के लिए। मेरे राज्य में कहा अपशकुन उन्होंने दो आश्चर्य चीज देखा। तो क्या देखा, देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है। बोले भैया तुम कौन है। बोले मैं पृथ्वी हूँ। बोले क्यों रो रहे हो। बोले कृष्ण चले गए, अभी कलयुग आएगा, लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, मैं ये पाप को मैं कैसे सहन करूं कलयुग में, इसलिए मैं रो रहा हूँ। देखा एक बैल का तीन पैर नहीं तो एक पैर में खड़ा हुआ और एक शूद्र राजा एक पैर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसने विष्टा मूत्र को विसर्जन कर रहा था। बोले भैया तुम कौन हो, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। बोले ये कौन। बोले ये कली। बोले तुम क्या कर रहे हो। बोले धर्म का चार चरण है, लेकिन ये सत्य तृतीया द्वापर बीत चुका है, अभी धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, धर्म केवल एक चरण के ऊपर खड़ा हुआ। बोले ये क्या कर रहे हैं। बोले वो एक पैर भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं। बोले भैया तुम कौन हो। बोले धर्म है। बोले ये दुख का कारण क्या है, तेरे एक प्यार को क्यों तोड़ रहा है। देखो ध्यान देखो सुनो, यहाँ पर धर्म एक अच्छी बात कह रहे हैं, आप इतनी सी बात को ग्रहण करने के लिए कोशिश करना। वो धर्म कहते मैं किसका दोष दूं, जीवन में जो कुछ आता है हमने पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किया है ना, वो कर्म के अनुरूप फल भोग कर रहे हैं। आप समझो अगर आप अमृत का बीज बोएंगे तो वहां कौन सा वृक्ष आएगी, अमृत का बीज आएगा। अगर हमने नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा, नीम की। अगर हमने केले का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगी, केले का। हमने जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें भोगना पड़ता है। वो कह रहे हैं अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आए ना, कभी किसको दोष मत लगाओ। अरे अमुक वजह से हमारे ईश्वर ना उसने हमें ऐसे बोल दिया तभी तो हुआ। कहते नहीं भैया, कोई किसी को ऊपर में कष्ट नहीं देता है, हमने जैसे कर्म किया ये कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बताया भैया कभी भी किसकी चुगली निंदा मत किया करो, कभी किसकी चुगली मत किया करो। सुंदर स्टोरी सुन लो, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक समय कोई एक राजा राज दरबार में कोई एक साधु भिक्षा लेने के लिए गए। बोले भैया मुझे भिक्षा दो। राजा ने कहा काम करे कहा नहीं सकते, भीख मांगने के लिए आ गया। उसने क्या किया, घोड़े का जो पाएगा ना लीड का ना झोली में दे दिया। उस संत बड़े पहुंचे भी संत थे, उसको लेकर के चले गए। एक दिन राजा घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंच जहां पर संत रहते हैं, वहां पर देखा जो घोड़े का जो लीड था ना पहाड़, विशाल पहाड़। बोले भैया ये घोड़े का ये पहाड़ कैसे लीड का। वहां पर देखा वही साधु को देखा, बोले बाबा ये लीड का पहाड़ कैसे। बोले महाराज आपको याद होगा
एक दिन मैंने आपका दरबार में भिक्षा लेने के लिए गया था, आप मेरे को क्या दिया था याद है? घोड़े का लीड दिया था ना। अगर किसी साधु को जो दोगे वो तो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। कोई साधु को कोई चीज देगा वो तो ठाकुर का सेवा में लगाएगा, वो कभी बढ़ेगा वो कभी घटेगा नहीं। इसलिए घोड़े का लीड बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना होगा तुम्हारी राज्य में ये घोड़े का लीड के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा, पूरा राज्य वही टाइगर बन जाएगा। बोले भैया फिर तो गलती हो गई, चरण में गिर पड़े। बोले माफ कर दो। बोले ये खत्म कैसे होएगा? बोले एक उपाय है, अगर तुम्हारी कोई चुगली करे निंदा करे ना, जो निंदा करेगा उसको तुम्हारे सारे पाप उसको पर चल जाएंगे, हैं? तुम पवित्र हो जाओगे। बोले बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए? बोले एक काम करो, तेरे घर के सामने एक सुंदर फूल की बगीचा है, तुम्हारे घर में एक बेटी है ना? बोले तुम्हारी बेटी? बोले हाँ। बोले तुम अपना बेटी को लेकर के फूल बगीचा को बीच में कुटिया बनाकर अकेले रहा करो, फिर राज्य में तेरे चुगली करेंगे। बोले देखो ये दुष्ट राजा क्या कर रहा है, सुने हो? अपना तुम्हारी बेटी को लेकर के अकेला बगीचा में रह रहा है, पूरा राज्य राज्य में तुम्हारी चुगली होगा ना, जो चुगली करेगा तुम्हारे पाप वहां चले जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे। उसने ऐसे किया, पूरा राज्य राज्य में घर घर में राजा की निंदा। राजा फिर आया साधु के आश्रम में, देखा पूरा लीड खत्म, लेकिन एक टोकरी बाकी है, एक टोकरी झुड़ी एक है। बोले महाराज एक झुड़ी कैसे? बोले देख, तेरे राज्य में एक माता जी रहती है, वो माता जी बड़ी भक्ति करने वाले, वो कभी किसकी चुगली निंदा नहीं करती है। दिन भर ये माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, दिन रात को भगवान के नाम जप करती, उसी की हिस्सा की बाकी रह गई। अगर वो किसी तरह से तुम्हारी चुगली करते ना ये खत्म हो जाएगी, अगर वो तुम्हारी चुगली नहीं करती है, जो एक टोकरी जो बच गया ना लीट तेरे को खाना पड़ेगा। राजा ने अपना बेस बदला करके वो बूढ़ी माता जी के पास में पहुंचे, देखा वो माता जी बैठी देखकर हरिनाम कर रही थी, रो रो करके हरिनाम कर रही थी बैठ बैठ करके। और वहां पर उन्होंने गए अपना बेस बदला करके और वो माता जी से चुगली करवाने के लिए। राजा ने कहा माता जी तुमने सुना है? बोले क्या? बोले वो जो राजा कितने गंदा काम कर रहा है तुमने सुना? इतना बोलते ही वो जो माता जी तो बिगड़ गए। बोले राजा मैं अपना भजन का शक्ति से सब कुछ जानती हूँ, जब वह संत तेरे घर में भिक्षा लेने आए थे तुमने भिक्षा में क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना तुमने, वो जो एक टोकरी बच गया ना तेरे को खाना पड़ेगा। मैं कभी किसकी चुगली निंदा नहीं करती हूँ, मैं हर समय ठाकुर का नाम जप करती हूँ, जा एक टोकरी बच गया तेरे को खाना पड़ेगा। राजा को आगे खाना पड़ा, फिर जाकर के खत्म हुई। देखो इसका मतलब है यहाँ पर धर्म स्वयं कहना है, भैया कभी भी किसकी चुगली निंदा मत करो, जिसकी करोगे ना वो तो पवित्र हो जाएगी, फिर सारे दोष तुम्हारी पर आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर श्री बोले भैया ये तुम कौन हो? बोले ये धर्म है। इसलिए इनका तीन प्यार खत्म हो गया, एक प्यार से खड़ा हुआ वो कली को शिष्य कर जगत में धर्म कर्म में रह नहीं चुका, सारे धर्म कर्म को मैं खत्म कर दूंगा। तब परीक्षित महाराज बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा तेरी कोई स्थान नहीं। बोले जब सबको स्थान दिया अभी कलियुग मुझे तो स्थान देनी चाहिए ना। तब उन्होंने देखा कलियुग में दोष ही दोष है, लेकिन कलियुग में एक गुण है। क्या गुण है? कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर कलियुग में थोड़ी ठाकुर का हरिनाम कर दो, दूसरे दूसरे युग में तो बड़े कठोर परिश्रम करना पड़ता था, कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी का नाम जप कर लो ना, नाम जप करते ही जीव को भगवत गति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये चीज को देख करके उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। बोले कली को कहाँ पर स्थान दिया? बोले चार जगह पर स्थान दिया। मतलब है कलयुग में अगर केवल चार नियमों का पालन करो और एक बार ठाकुर का नाम जप करो, एक बार हाथ उठा के बोलो, बोला हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा एक बार। आप लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। अब और एक बार बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। देखो कलयुग में भगवान का जो नाम है ना कि दवा है। जैसे आप एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, बढ़िया डॉक्टर जो सचमुच से आपका बीमारी सही करना चाहता है। देखना जब आपको कोई दवा देगा, मैं देख बेटा दवा बहुत अच्छा दवा दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे जल्दी जल्दी असर करेगा, अगर बगैर परहेज में दवा लोगे दवा तो बड़े दिन तो खाओगे लेकिन दवा के असर नहीं है। इसलिए कलयुग में दवा क्या है, ठाकुर जी का नाम सबसे प्यारा दवा, सबसे बढ़िया दवा, बड़े मीठी दवा। बोले परहेज क्या, बोले चार परहेज करना पड़ेगा। पहला नंबर है जुआ मत खेलना। धर्म का पहला चरण है सत्य। देखना जो व्यक्ति जुआ खेलेगा ना वो झूठ मूठ का बोल करके यहाँ से पैसा ले लेगा, बोले कल तेरे पैसा चुका दूंगा। ये जुआ ऐसे चीज आप छोड़ भी नहीं सकते हो और खेल भी नहीं सकते हो, ये ऐसे के जुआ में बैठ होगा। इसलिए बोले भैया कभी जुआ मत खेला करो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया था तुम्हें धर्म स्वरूप, और जुआ खेल कर कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गए, भाई गए, पत्नी गई, फिर हमें 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल विराट का राज्य में नौकर बनकर रहना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती कंक बनकर रहे, अर्जुन जैसे गांडी विधायक बिहरला बनकर नृत्य विद्या सिखाया करता था, अर्जुन जैसे गदाधर रोसे बनाता था, नकुल जैसे सहदेव घोड़ा सवार में काम करते हैं। ले खबरदार कभी जुआ नहीं खेलना, ठीक है ना, खेलना नहीं। और बच्चों को कभी भी ये जुआ खेलेगा तो घर घर भीख मांग कर जाएगा, ठीक है ना। पहला धर्म का चरण सत्य खत्म। पान, पान मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु, मतलब जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका नहीं लेनी चाहिए। नशा एक नशा हो, भगवान की प्रेम की नशा, भक्ति की नशा हो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। देखो ध्यान देकर सुनो, ये जो मदिरा मदिरा है ना, शराब खराब नहीं लेनी चाहिए। इसलिए संतों का कहना है जो मद खाते हैं ना उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है? 3 लाभ है। क्या लाभ? पहला नंबर वो बुरा नहीं होगा, दूसरा नंबर घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा नंबर कुत्ते दोस्त बने। तो भैया मतलब क्या है, क्या तो मतलब क्या है, वो बुरा नहीं बनेगा। बुरा नहीं बनेगा मतलब क्या है, वो जिंदा रहे तब तो बुरा बनेगा, जिंदा नहीं रहेगा तो बुरा घास बनेगा है। इसलिए जिस देश में ज्यादा शराब पीते है ना आधा उम्र में सबके सब खत्म हो जाते हैं, आंख आंख जल जाते सब खत्म। इसलिए पहला नंबर बूढ़ा नहीं होगा, बोले दूसरा नंबर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कम होगा, घर में कुछ हो तब तो चोरी होगा, वो तो सब बेच बाज पी पागर उसमें वो खत्म कर देगा, फिर चोरी कहां से होगी। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पागर के पड़ा रहेगा रोड में कुत्ते आकर के मुंह चाट जाएंगे नहीं तो पेशाब कर जाएंगे मुंह में। इसलिए कभी ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अपना बच्चों को अपना पतियों को सावधान करना। लेकिन दुनिया अभी ऐसे हो गया ना, आज एक में किसी भक्त से मैंने बात कर रहा था, एक शादी करवा रहे हैं, देखना शादी में बच्चे का बर्थडे, शादी भर में इतना मुर्गा इतने जानवर को मारते हैं और इतने शराब पिलाते हैं, इतने शराब पिलाते हैं, अगर ये सब चीज मत दो ना। बोले भैया कौन सा शादी तुमने करवाई, तुम्हें मांस नहीं पिलाया शराब नहीं पिलाते हो, ये संतों का कहना, आप लोग बुरा मत मानो। कहते जिस तुमने शुभ काम में किसी बच्चे का बर्थडे शादी में इतने जानवर को तुमने मरवा डाला और इतने बोतल तुमने तोड़वा दिया, वो शादी में तो बच्चे का जन्म कितने बच्चे का कल्याण होगा,
वो संत कहते थे अगर वो बच्चा 100 साल जिंदा हो रहता ना, झट 50 साल में उतर करके आ जाएगा। बोले क्यों? बोले जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने जानवर जीव को तुमने हिंसा किया है, इतने तुम्हें गलत काम करवाया। इसलिए पहले हमारी हिंदू संस्कृति क्या था, आप देखना कोई भी शादी विवाह हर समय माताएं बैठती थी ढोलकी लेकर के मजरा लेकर कीर्तन करती थी, है ना। देखना पहले हर चीज में प्रभु का कीर्तन से करते थे। इसलिए कहते ना मंगल भवन मंगलहारी, आप घर में कोई भी काम हो देखना ठाकुर का कीर्तन माध्यम से कराओ, ठाकुर जी की भजन के। अगर कोई थोड़ा दोष होगा ठाकुर का कीर्तन का माध्यम से कराओगे तो वो सारे दोष तुम्हारी खत्म हो जाएंगे, सारे दोष तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोग भी बच्चे का शादी हो, कोई सालग्रह हो शादी की, कुछ भी करो, क्या करो, माताएं बैठ जाओ, बजरा ढोलकी ले लो, चिमटा ले लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जो साबुत जो मूंग डाल है ना, वो साबुत मूंग डाल दिया और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया और जो ट्रे को एक ट्रे को एक साधारण जगह पर रख लिया, दूसरे ट्रे को जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र चलता है वहां पर रख लिया और तीसरा ट्रे को जो रख म्यूजिक को पास में रख लिया। बोले देखते हैं इसमें क्या होता है। उन्होंने 3 दिन बाद में देखा जहाँ पर साधारण जगह में जो मुंह डाल रखा हुआ था उसमें थोड़ी बहुत अबूर आ गया और जहाँ पर ठाकुर का नाम का कीर्तन हो रहा था क्या सभी ने देखा दो दो तीन तीन गुना ज्यादा उसमें अंकुर आया। जहाँ पर ये रक म्यूजिक चल रही थी वो एक अंकुर वहां नहीं आया, वो मर गया।